नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बीजेपी की सदस्यता अभियान का शुभारंभ। सीएम धामी को प्रदेशाध्यक्ष भट्ट ने सदस्यता का किया रिन्यू। वरिष्ठ नेताओं को भी दिलाई मेंबरशिप। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम धामी सख्त बोले, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, अपराधियों पर उठाएं सख्त कदम। उत्तराखंड के कांग्रेस नेता और पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत पर शिकंजे की तैयारी। अवैध पेड़ों और कटाई, अवैध निर्माण को लेकर की लंबी पूछताछ। ईडी ऑफिस में 12 घंटे रहे मौजूद। केदारनाथ पैदल यात्रा फिर रुकी। भारी बारिश के कारण स्लाइडिंग जोन में फंसे हजार श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने निकाला। और कल पिथौरागढ़ में विश्व प्रसिद्ध हिलजात्रा मेला। व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी ने की मीटिंग। लखिया भूत को देखने उमड़ती है भारी भीड़। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को बीजेपी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ कर चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बाकी कैबिनेट मंत्रियों के साथ देहरादून में पार्टी ऑफिस में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। ये पहल प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरूआत के बाद की थी। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान कल से प्रारंभ हो गया है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी पहले सदस्य बने हैं और उसके बाद आज पूरे देश के अंदर ये अभियान शुरू हो गया है। उत्तराखंड के अंदर भी आज अभियान प्रारंभ हो गया है। ये सदस्यता अभियान के साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी है। नए सदस्यों को जोड़ने का काम भी हमारा इसमें होगा और एक बड़ी संख्या जो देश के अंदर 10 करोड़ नए सदस्यों को बनाने का लक्ष्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में लिया गया है, उत्तराखंड उसमें एक अच्छी भूमिका निभाएगा हमारे राज्य के अंदर भी। देश में भाजपा संगठन महापर्व के तहत सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सीएम की सदस्यता का रिन्यूअल किया है। वहीं सीएम धामी की सदस्यता रिन्यूअल के बाद प्रदेश स्तर पर भाजपा के संगठन महापर्व की शुरुआत हो गई है। सदस्यता अभियान के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं को पार्टी की दोबारा सदस्यता दिलाई है। वहीं भाजपा का सदस्य बनने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। मुख्यमंत्री के बाद सरकार के मंत्रियों, संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके साथ ही प्रदेश भर में आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 30 लाख सदस्यता कराने का लक्ष्य तय किया है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूं कि कल देश के अंदर सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने हैं और उत्तराखंड में मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की है और ये सदस्यता का अभियान हमारा आज से प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गया है। कल से जिलों में भी प्रारंभ होगा, पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा और इसके साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी चलेगा। हमारे संगठन का विस्तार होगा और जहाँ तक भी अभी हम नहीं पहुँचे हैं उन सभी लोगों तक हम पहुँचेंगे। गांव-गांव घर-घर तक पहुँचने की हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपना योगदान देंगे और उत्तराखंड जो देश का नए सदस्य बनाने का 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है उसमें अपनी बड़ी भागीदारी है।
देखिए आज से देवभूमि के अंदर पार्टी की संस्था का श्री गणेश प्रारंभ हो गया है। हमारे पहले सदस्य इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य के विकास के साथ साथ इसके देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो हमारे सदस्य बने हैं। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का एक एक नागरिक जो मतदाता है हमारा प्रयास है वो व्यक्ति तक हम पहुँचे और उसे पार्टी का सदस्य बनाए। जिन क्षेत्रों में कमजोर है वहाँ संस्था के बहन की गति को बढ़ाया जाएगा। हमारे सारे सांसद विधायक दायित्वधारी मंत्रीगणों के कार्यक्रम हमने कल से लगा दिए। मैं भी उत्तराखंड के जो हमारे 19 के और सघना जिले हैं सभी सघना जिलों में जाकर और बूथ पर मैं भी जाकर सदस्य बनाऊंगा। उत्तराखंड में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी पुलिस ऑफिसरों के पेच कसे हैं। सीएम ने सख्त हिदायत दी है कि अपराध की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार में दिनदहाड़े डकैती प्रकरण मामले में मुख्यमंत्री ने एसपी सिटी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए और कहा कि प्रकरण में जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द मामले का खुलासा कर अपराधियों को पकड़ा जाए। कानून व्यवस्था हमारे लिए बहुत हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही हमारी प्राथमिकता में रहा है और लव जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज जैसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर पूरी सक्रियता से और संवेदनशीलता से और त्वरित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कहीं भी लव जिहाद या इस प्रकार की जो भी घटनाएं जहां भी आ रही है वहां पर प्रशासन को पुलिस को कहा गया है कि सख्ती से उस पर कठोरता से काम करें। उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत से ईडी ने कार्बेट टाइगर नेशनल पार्क की पाखरू प्रकरण में पेड़ों के अवैध कटाई और अवैध निर्माण को लेकर लंबी पूछताछ की है। बता दें कि पाखरू टाइगर सफारी घपले के मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत तीसरे नोटिस पर ईडी के सामने पेश हुए हैं। वहीं ईडी की ये पूछताछ करीब 12 घंटे तक चली। तो इसी मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ईडी एक जांच एजेंसी है। मैं हरक सिंह रावत का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो ईडी की पूछताछ में कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा स्वयं ही जांच एजेंसी की मांग की गई थी। उनकी मांग के आधार पर ही एजेंसी जांच कर रही है और उत्तराखंड के सभी निवासी चाहते हैं कि इस मामले की सच्चाई को सामने लाया जाए। ईडी एक जांच एजेंसी है और महाराज सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ। ईडी को पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं और जो तथ्य उन पर वो रखने चाहिए उन्होंने रखे भी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके द्वारा स्वयं ही एक एजेंसी जांच की मांग की गई थी। उनकी मांग के आधार पर ही एजेंसी जाँच कर रही है और पूरा उत्तराखंड राज्य ये चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो और एजेंसी के काम में किसी प्रकार राजनीतिक विषय आने नहीं चाहिए। हरक सिंह जी से इतनी अपेक्षा है कि तथ्यात्मक विषय वहां तक दें, उस पर जो भी निर्णय होगा सब राज्य देखेगा। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल पाखरू टाइगर सफारी घपले के मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत तीसरे नोटिस पर ईडी के सामने पेश हुए और ईडी ने करीब 12.5 घंटे लंबी पूछताछ की है। वहीं पूछताछ के बाद हरक सिंह रावत ने वीडियो जारी कर कहा कि जो भी आरोप उन पर लगे हैं उन्होंने ईडी के सामने दस्तावेजों के साथ जवाब दिए। हमने ईडी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए। जिस दिन ईडी का 22 तारीख को घेराव का कार्यक्रम था उस पर जिस तरह मेरे द्वारा बढ़ चढ़ के ईडी का घेराव किया गया, वहां ईडी के मुख्यालय के बाहर धरने पर भाषण दिया गया, कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। जिस तरह ईडी का सीबीआई का इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। लक्सर तहसील सभागार में हरिद्वार
ईडीएम दीपेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें ईडीएम दीपेंद्र सिंह नेगी और लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के द्वारा जन समस्याओं को सुना गया है। वहीं एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि आज तहसील दिवस में 65 शिकायतें आई हैं, जिसमें से ज्यादातर शिकायतें जमीन से जुड़ी राजस्व विभाग से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि बाकी शिकायतें लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग, पेयजल विभाग आदि से संबंधित हैं। शिकायतें आई हैं 65 और मैक्सिमम शिकायतें राजस्व विभाग की है, पेमाई से संबंधित है और सरकारी भूमि कब्जे से संबंधित है। इसके अलावा जो विकास कार्यों की जो जांच वगैरह है ब्लॉक से संबंधित, उनकी शिकायतें हैं, बिजली विभाग की शिकायतें हैं, पीडब्ल्यूडी की शिकायतें हैं, तमाम जो हमारे अन्य विभाग जैसे जल निगम है, जल संस्थान है, उनकी शिकायतें हैं। तो मिक्स शिकायतें मैक्सिमम हमारे राजस्व विभाग की है जो पेमाई से संबंधित है। हरिद्वार के पेंटागन मॉल में अवैध तरीके से चल रहे हुक्का बार के खिलाफ हिंदू महासभा ने कार्रवाई की मांग की है। हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हितेश चौहान के नेतृत्व में महासभा के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी जयवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा है। वहीं हितेश चौहान ने ज्ञापन में बताया है कि पेंटागन मॉल में लंबे समय से अवैध तरीके से हुक्का बार चलने की शिकायतें मिल रही हैं, जो युवाओं के भविष्य के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए इधर उपजिलाधिकारी जयवीर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज हम जो हरिद्वार जिला है हमारा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत हमारा तीर्थ नगरी है, यहाँ पे नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है और उस नशे के कारोबार के संबंध में बहुत सारे बार खुले हुए हैं जिनमें अवैध हुक्का बार चल रहे हैं। उन अवैध हुक्का बारों पे हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के बैनर तले कि उन अवैध जो बार खुले हुए हैं हुक्का बार, नशे का काम उनमें भी चल रहा है, तो उन पे कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो एसडीएम साहब ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उन्होंने कहा है जल्द इसका संज्ञान लेके मैं अपने स्तर से ही कार्रवाई करूँगा और जो भी ऐसे होंगे उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस भी रद्द किया जाए। तो इस पे हम प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं बैठ के धरना देंगे अगर नई कार्रवाई, लेकिन हमें पूरा विश्वास है एसडीएम साहब बहुत अच्छे अधिकारी हैं और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन भी दिया। हरिद्वार में लंबे समय से मिल रही अवैध खनन भंडारण की सूचनाओं पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। बता दें कि उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में सिडकुल से बहादुराबाद जाने वाले मुख्य मार्ग पर लंबे समय से खनन के अवैध भंडारण की शिकायतें मिल रही थी और जगह जगह इन अवैध भंडारों की उपस्थिति के बावजूद खनन माफिया लगातार अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। इसमें पूर्व में भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, हमारे द्वारा कार्रवाई करी गई थी और इसमें माइनिंग ऑफिसर को मेरे द्वारा चिन्हित करने के लिए बोले गए, चिन्हीकरण करने के लिए। तो इसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे जैसे ही चिन्हित कर लिया जाता है कि किनके द्वारा अवैध भंडारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जगह जगह पर जो अवैध खनन की शिकायतें भी मिलती है उसके लिए भी हमारे द्वारा लगातार चेकिंग करी जाती है और आज एक दो दिन के अंदर हम दोबारा से इसमें कार्रवाई करेंगे। लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच में संतूला के पास अचानक भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की वजह से बड़ी मात्रा में मलबा एनएच में आ गया, जिसके चलते एनएच बंद हुआ है, जिससे एनएच के दोनों ओर लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गई और सैकड़ों यात्री एनएच बंद होने की वजह से फंस गए हैं। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हरिश्चंद्र तिवारी ने बताया है कि आज सुबह जोरदार आवाज के साथ अचानक भारी भूस्खलन हुआ और बड़ी मात्रा में मलबा एनएच पर आ गया। वहीं एनएच के अधिकारियों के मुताबिक एनएच खोलने के लिए मशीनें भेज दी गई हैं और लगातार पहाड़ी से मलबा आने की वजह से एनएच खोलने में इधर दिक्कतें आ रही हैं। एनएच खोलने के प्रयास लगातार जारी हैं, फिलहाल एनएच खोलने में समय लग सकता है। एनएच के लापरवाही के कारण, भूस्खलन के कारण लंबे समय हो गया, लगभग 2-3 घंटे हो गए हैं और नहीं मलबा फेंकने के लिए और क्या कहते हैं नीचे गाँव में रखे नीचे मकान मलबा के कारण नीचे क्या कहते हैं उनको भी खतरे की जड़ मिल गई और क्या कहते हैं लगभग उनकी लापरवाही के कारण यात्री बड़े परेशान हैं और क्या कहते हैं नहीं कोई सुविधा हो पा रही है।
स्वागत है। पहाड़ों में आजकल जोरदार बारिश लोगों के लिए अब मुसीबत बन चुकी है। लगातार 3-4 दिनों से पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला है। जबरदस्त बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और पहाड़ों का जनजीवन भी काफी अस्त व्यस्त हो चला है। सीमांत घाटी के सुराही थोटा से लगभग 7 किलोमीटर आगे तमक नाले में अचानक देर रात जल प्रकोप आने से यहां भारी नुकसान हुआ है। तमक गांव में रहने वाले कई युवाओं का रोजगार से जुड़ा मछली पालन का टैंक देर रात तमक नाले में अधिक उफान आने की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिस कारण यहां कई युवा पूरे तरीके से बेरोजगार हो गए। तमक गांव भारत चीन सीमा के अंतर्गत आता है और इस गांव में अधिकांश लोग भूटिया जनजाति से आते हैं। सोराठ से लगभग 7 किमी आगे जो तमक नामक स्थान है, कल सूचना मिली कि रात्रि को जो हमारे बिन मौसम बरसात में कहूंगा सीमावर्ती क्षेत्र भादो मास में भी अधिकांश बरसात हो रही है, जिससे नदी नाले जो उफान पर हैं। मगर तमक की जो घटना कल बताई जा रही है कि ऊपरी हिमालय छोर में अगर बादल फटने से काफी नदी नाला जो उफान में आया और जो हमारे स्वरोजगार के माध्यम से जो लोग मत्स्य पालन करते थे उनकी जो फार्मिंग चलती थी वहाँ पे अधिक वर्षा आने से काफी जो मछलियों के लिए काफी खतरा हो चुका है और वहाँ पे जो नदी नालों का पानी जो गंदा होने से कभी काफी मछलियों की मृत्यु हो चुकी है। और हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि कृपया उन मत्स्य पालकों की जो फार्मिंग करते थे उन लोगों के लिए सरकार उचित मुआवजा देने की कृपा करें। उत्तराखंड में इन दिनों 500 करोड़ रुपए से सरकार गिराने के बयान से हलचल मची हुई है। ये बयान खानपुर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने गैरसैंण मॉनसून सत्र में सदन के भीतर दिया था, जिसके बाद मामले पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि धुआं तभी आता है जब आग लगती है। हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक के जमानत प्रार्थना पत्र को ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की खंडपीठ करेगी। एकलपीठ ने जमानत के लिए खंडपीठ के समक्ष अपील करने की छूट दी है। पूर्व में हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने इस विधिक प्रश्न पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था कि जिस केस में यूएपीए लग जाता है उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट की खंडपीठ करेगी या एकलपीठ। राज्य में महिला अपराधों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में दायर जनहित याचिका में दुष्कर्म, महिलाओं बच्चियों के साथ छेड़खानी के मामले पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने के आदेश देने की गुहार लगाई गई है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद नियत की है। देहरादून की समाधान एनजीओ की जनहित याचिका में दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने, मीडिया और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर को प्रचारित प्रसारित करने के निर्देश देने की मांग की है। इधर हरिद्वार में बदमाशों का आतंक नहीं थम रहा। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में फिर से लूटपाट हुई है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में अपराधियों का हौसला बुलंद होता नजर आ रहा है। करोड़ों की लूट की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि बदमाशों ने एक और वारदात को अंजाम दे दिया। अवधूत मंडल आश्रम के पास मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने चेन झपट ली। घटना के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में आगामी 4 सितंबर को कुमोड़ में विश्व प्रसिद्ध हिजलात्रा मेला लगेगा, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हिजलात्रा समिति के साथ पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने बैठक की है। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया है कि हेलजात्रा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल में एलईडी
स्क्रीन हेलो स्पीकर आदि लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए गए हैं। इधर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और पागल नाला और नंदप्रयाग के पास भारी मलबा आ जाने की वजह से एक बार फिर से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से मूसलाधार बारिश की वजह से देर रात से ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा है। पागल नाला और नंदप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बंद हुआ है। तीर्थयात्रियों के वाहन और स्थानीय लोगों के वाहन सैकड़ों की तादाद में यहां पर दोनों तरफ फंसे हुए हैं। पागल नाला तीर्थयात्रियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बार बार पागल नाला नंदप्रयाग के पास मार्ग अवरुद्ध हो जाने की वजह से चारधाम यात्रा में कमी आ रही है। दोनों जगह पर संबंधित विभाग की मशीनें तैनात की गई हैं। बाधित सड़क मार्ग को खोलने का प्रयास लगातार जारी है। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में दिनों दिन बदहाल होती जा रही स्वास्थ्य सेवाएं, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी और मरीजों और चिकित्सकों के बीच होती तनातनी और अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सोमवार को लोहाघाट में व्यापारियों की उपजिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने और महिला चिकित्सा स्टाफ को सुरक्षा देने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहनता से चर्चा की गई है। जो हमारी अस्पताल प्रबंधन के साथ में एक मीटिंग हुई, ये जस्ट एक जनरल डिस्कशन था। ये कोई एक ऐसा नहीं था कि हमारे अंदर कोई आक्रोश है, पर हम ये जानना चाह रहे थे कि अस्पताल की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लस डॉक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोहाघाट के नागरिकों की तरफ, लोहाघाट के आसपास के क्षेत्र से जो लोग आते हैं इनकी तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पिछले दिन एक वाकया आया था जिस दिन हमारे एक पेशेंट था, एक कोई बच्चा जिसको कि रेगुलर निर्धारित टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहा। तो एटलीस्ट ये क्यों हुआ, एक्चुअली इसका उपज उसी पॉइंट से हुई थी जब उस बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो आज हम CMS लोहाघाट के साथ बैठे, हमने एक हेल्दी डिस्कशन किया, हमने उनसे जानना चाहा कि हम उनका क्या सहयोग कर सकते हैं, प्लस जो हमें कमियां नजर आई हॉस्पिटल में लेके, डॉक्टर्स में लेके, हमने उनको वो कहा। परसों की घटना तो वही अंदर डिस्कस ही हो रहा था, इस बारे में दोनों पक्ष अपने अपने राय रख रहे थे कि क्या हुआ एक्चुअली घटना, और तो जो आए हैं वो मैटर को सुन ही रहे थे, तो अब वही बताएंगे कि क्या। मेनली तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुआ है, अब उसको आपस सहयोग से ही सुधारा जा सकता है। इसको ज़्यादा बढ़ाने से तो आगे डॉक्टर स्टाफ सबके मन में जागरूक मतलब एक भावना रहती है कि हम यहाँ ऐसे काम करेंगे, हमें गाली मिलेगा, हमें डराना धमकाना, इस टाइप की चीज़ें नहीं होना चाहिए दोनों पक्ष की। मैं भी डॉक्टर से स्टाफ से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी आने वाले जो पेशेंट आते हैं उनके साथ अच्छे व्यवहार करें, अपने व्यवहार से ही अपनी हॉस्पिटल की छवि को अच्छा करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।